نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. आज सुलह हुदैबिया को हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। तो सुलह हुदैबिया, जिसको गजवाए हुदैबिया भी कहा जाता है और मुआहिदाए हुदैबिया भी कहा जाता है, उसमें निगोसिएशंस चल रही थी। मुआहिदे के बाद से मुख्तलिफ लोगों के साथ हो रही थी। आखिर में हमने देखा था कि सुहेल बिन अमर तशरीफ लाए थे। सुहेल बिन अमर कौन है ये बाद में हिजरी में जब मक्का फतह होगा उसके बाद इंशाल्लाह मुसलमान होंगे, लेकिन उससे पहले भी इनकी पहचान बहुत अच्छी थी। बहुत ज्यादा फसीह बलीग सरदार के तौर पे जाने जाते थे। कुरैश के सरदारों में से एक सरदार थे। तमाम जंगों में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और कुरैश के जो नादी होती थी मक्का में, आपको याद होगा, जहाँ पर बैठे उसमें भी इनका बहुत ज्यादा अहम किरदार होता था और इनकी सुनी जाती थी, इनकी बात मानी जाती थी। और फसीह बलीग थे तो इसका मतलब यह है कि बहुत अच्छे तरीके से इन्हें गुफ्तगू और बातचीत करनी आती थी। तो डेफिनेटली अब फिर एक इम्प्रेशन ये गया था कि अब जो है कुरैश वो सीरियस है और वो संजीदगी के साथ निगोसिएशंस बातचीत करना चाहते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि कुरैश का कोई भी सरदार नहीं आया। सबसे बड़े जो सरदार आए थे वो उर्वा ही थे, जिनकी शहादत तक की डिटेल हमने, मुसलमान होना, शहादत फिर पाना, वो सब हमने पढ़ लिया लास्ट का। तो उस वो भी मुसलमान नहीं था वो, लेकिन ताइफ के सरदारों में से एक सरदार। तो अब कुरैश ने अपने सरदार को भेजने का फैसला किया और इनको एक ही इन्होंने शर्त के साथ भेजा कि उन्हें बता दें, मुसलमानों को बता दें, इस साल आप उमरा नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम कभी नहीं मानेंगे, किसी सूरत में नहीं मानेंगे। मेन कंडीशन इनकी यही थी। बाकी मजीद आगे क्या बातचीत होती है वो भी हम पढ़ेंगे, मुआहिदे की शराइत देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इनको मजीद जान लेते हैं और इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इनके शहादत तक की डिटेल भी अभी हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे जाके पता नहीं हम सहाबा को बाद में कवर करते हैं कि नहीं, लेकिन बीच बीच में हमारी कोशिश क्या है, जितना मैक्सिमम हम सहाबा को कर सकते हैं हम कर लें। जैसे कि मैंने बताया, ये 8 हिजरी में के बाद जाके मुसलमान हो गए के बाद। और इससे पहले आपको याद होगा कि बदर के मौके पे हमने इनका जिक्र पढ़ा था। बदर में ये काफिरों की तरफ से इन्होंने जंग की थी और ये कैदी बनकर मुसलमानों के पास थे, ठीक है। और ये वो वाले शख्स हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, जो मैंने वाकया सुनाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये कैद थे, क्योंकि सरदारों में से जो थे। हजरत सौदा एकदम से आई हैं। हजरत सौदा, इनके जो छोटे भाई थे उनकी बेवा थी ना, तो हजरत सौदा जब एकदम से, पहले उनकी बेवा थी, अभी तो वो आप सल्लम की जौजा होना चाहिए। तो हजरत सौदा ने जब इनको एकदम से देखा है, तो हजरत सौदा ने इनको कैद देखा, एज अ कैद देखा, तो एकदम से उनके मुंह से निकल गया कि कैद हुए वे, इससे तो अच्छा था कि तुम लड़ते और लड़के वहीं पे मर जाते, इतनी बेइज्जती तुम दिखा रहे हो। मौजूद पर आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ तुम इसकी साइड ले रही हो, तुम इसको बहका रही हो, भड़का रही हो, जज्बात गलत कह दिया मेरे, इनको देखकर मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकती, पुरानी बातें मुझे बहादुरी की और लड़ने की वो सब याद आ गया, इसलिए मेरे मुंह से दिया। और ये वाकया बेसिकली आप लोगों को याद होना चाहिए। उसी वक्त ये वाकया हुआ था कि इन ये इस्लाम के खिलाफ उस वक्त बोला करते थे, जुबान अल्लाह ने इनको दी थी, ठीक है, स्पीकिंग पावर जो होती है वो अल्लाह ने दी थी। उसी वक्त जब कैद थे, कैदी ही बोला करते, मैंने आपसे सलाम कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म दे तो मैं इसकी जुबान काट डालूं, नहीं करोगे, और हो सकता है कि अल्लाह इसकी जुबान से इस्लाम के लिए बहुत अहम काम ले, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये बात, और यही हुआ, ऐसा ही हुआ इनके मुसलमान होने के बाद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल, हिजरी के बाद मुसलमान हो रहे हैं ना, थोड़े से तो रह गए बस साल खत्म, तब इन्हें आपसे
साल मिले ज्यादा से ज्यादा, 9 साल हुआ। के विसाल के बाद हमें पता है कबीले वापिस मुड़ने लग गए कि जी हमने इस्लाम पे नहीं रहना, या हमने मुसलमानों की पहली बनकर दोस्त नहीं रहना, हम अलग रहेंगे बस, हमने ये इत्तफाक के साथ खत्म सारा कुछ। जो झगड़े थे ये उठने लगे, ठीक है, ऐसे कुछ दुश्मन आने इन बातों हवा देना शुरू कर दी थी। क्या हुआ कि भी कुछ लोगों ने ये बात, तो हम तो उस पर फिर सुहेल बिन अमर और ये लोग जो मुसलमान बाद में हुए थे, ये फतह मक्का के बाद वो मक्का में ही रहे थे ना, फिर सारे के सारे तो मदीना आकर नहीं बच सकते थे कि सारा मक्का ही हो जाए। अल्टीमेट मकसद तो मक्का फतह करना था ना, कि वहां भी मुसलमानों का मरकज हो और मुसलमानों के पास हो, ठीक है, तो वहां भी मुसलमान ही बसे। तो और अल्लाह ताला ने फिर इनकी जुबान मुबारक से वही काम लिए की थी। और इस वक्त फिर बोला कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि तुम लोग आखिरी थे जो मुसलमान हुए, इस्लाम में दाखिल हुए, तुम लोग इस्लाम में दाखिल होने वाले भी आखिरी थे, और सलम के विसाल के बाद अब तुम लोग जाने वाले पहले बनना चाहते हो, ये औकात है तुम्हारी। तो इस तरीके से और उनको फिर रोक दिया, ठीक है, उनको। इसी तरह एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, उनके दौरे खिलाफत में, ये मदीना आए हैं और अबू सुफियान वगैरह भी, अबू सुफियान भी मुसलमान हो जाएंगे ना 8 हिजरी के बाद, वो और कुछ और सरदार मदीना में ही थे, और हजरत उमर करना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे उनसे मिलने के लिए। उमर खलीफा थे, पास और लोग भी मिलने के लिए आए हुए थे, लाल और उनके कुछ दोस्त आए हुए थे, और उन्होंने साथी उनके वो आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ डिस्कस करना था। अब सिंस बहुत पहले आए थे, तो कि उनको पहले बुलाओ, मैं पहले उनसे बात करूंगा और बाकियों से। तो अबू सुल्तान और ये सुहेल बिन अमर बाहर बैठे थे, जो सरदार थे बड़े बड़े, हालांकि ये मुसलमान हो चुके थे, लेकिन इतने ये जो एंड में मुसलमान हुए, बाहर उनके ईमान का लेवल और है, और जो शुरू में हुए थे उनका और। तो हजरत ने जब हजरत बिलाल वगैरह को अंदर बुलाया है, तो अबू सुफियान ने कहा कि देखो तुम सरदार हैं, और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमें नहीं बुलाया जा रहा, और जो हबशी गुलाम है इनको हम फौकियत दी जा रही है, इन्हें पहले बुलाया जा रहा है। तो सुहेल बिन अमर ने ये बात सुनी तो इनको आया, और इन्होंने अपने बल्कि हमें बिलाल वगैरह को जब इस्लाम की तरफ बुलाया गया हमसे आगे बढ़ गए, तब इन्हें बर्तरी मिल गई, तब ये इस्लाम में पहले दाखिल हो गए, और हम इतने आखिर में जाकर एंड में जाकर इस्लाम में दाखिल हुए। तो उस वक्त भी इन्होंने अबू सुफयान को लेसन दिया, समझाया, और इस बात और इनको रियलाइजेशन हुई, जैसे कि बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन होती है लेकिन अल्फाज में बयान करना ये किसी किसी का काम होता है, और इनके पास बयान की ताकत दी थी, जैसे अल्लाह ताला स्ट्रेंथ देते हैं, खूबियां देते हैं, तो ये बहुत। इसके बाद ये फिर जंगों में इन्होंने पार्टिसिपेट करने में ही, शाम के खिलाफ जो जंगे हुई हैं उसमें शहादत हुई, ठीक है। तो ये है सुहेल बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो अब इनकी बात करते हैं, अभी फिलहाल तो इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो इनकी आपका अब शर्त इनके पास क्या है, मैंने बता दिया, एक ही शर्त है, वो क्या है कि बस उमरा नहीं करने देना है मुसलमानों को अभी, ये ना कहें कि जी मुसलमान हमारे ऊपर हावी आ गए हैं और जी मुसलमानों का अपर हैंड है और मुसलमान मक्का में दाखिल हो गए, ये हम कभी नहीं किसी को। तो सिर्फ ये एक शर्त आए थे, और ये भी याद रखिएगा दी जाते थे। तो ये जब आए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, ये आपको याद होना चाहिए, ये पिछली स्लाइड पर मैंने उसका एक हिंट भी दिया हुआ है, अच्छा फाल लेना, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने क्या किया है, आपने फरमाया सुहेल आ गया है, अब सहल का मामला ही होगा, यानी सुहेल आसानी होती है ना, आसानी को कहते हैं, सहल भी आसानी को कहते हैं, यानी अब एक आसानी वाला शख्स आया है जिसका नाम ही सुहेल है, तो उससे अब हमें आसानी होगी, इसका क्या मतलब है, ये प्रिडिक्शन नहीं होती, बेसिक कहते हैं फाल लेना, ठीक है, गुड ओमन लेना, जो हमारे दीन में जायज है, हमें अहादीस भी मिलती है, ये 100% जायज है, और
तमाम उलमा इसको जायज कहते हैं। करते क्या, इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे कि करे मैंने दुकान खोली है और सुबह सवेरे मेरे पास कोई आता है जो बहुत ज्यादा ले लेता है, माल खरीद लेता है, पहला इतना अच्छा आया, इतना अच्छा सारा माल उसने ले लिया, इंशाल्लाह मेरा सारा दिन ही अच्छा गुजरेगा। मैंने उसको क्या लिया, फर्स्ट कंडीशन को, सिचुएशन को अच्छा फाल ले लिया, एज अ गुड ओमन मैंने उसे कंसीडर किया और उसके ऊपर उससे मैंने अल्लाह से रहमत की उम्मीद रख ली। ठीक है, अच्छा फाल लेना क्यों जायज है, क्योंकि इसमें अल्लाह से रहमत की उम्मीद होती है, रहमत एक खुशगुमानी होती है कि अल्लाह ताला ने गुमान रखेगा मैं उसको पैसा ही दूंगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाल लेना जायज है। अलबत्ता ये याद रखिएगा, बुरा फाल लेना जायज नहीं है। लीन रास्ता काट लिया अब तो मेरा सारा, या पता नहीं 13 नंबर मैंने देख लिया या 34 पे मैं चली गई हूँ तो अब मेरे साथ, ये सब हराम है, नाजायज है, ऐसा कुछ जायज नहीं है। ऐसे मैंने आज आज सुबह सुबह दिन कितना खूबसूरत, आज सारा दिन मेरा अच्छा ही गुजरेगा, आज सूरज कितना प्यारा लग रहा है, आज मेरा सारा गुजरेगा, इस तरह अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद लगाने से, देखने से, किसी से मिलने से, काम के अच्छे मीनिंग को ले लेने से ये जायज है। ठीक है, ये मसला यहाँ से निकलता है, इसको हमने याद रखना है, बहुत ही खूबसूरत बात है। इसके अलैहि वसल्लम ने जो खाना शुरू किया, खुद बातचीत का आगाज किया, उन्हें मौका है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आपकी पावर है, आपकी अथॉरिटी, आपका अपर हैंड है, अपने आगे बोलने नहीं दे रहे, वो जितने भी फसीह बलीग हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो नहीं हो सकते, बयान नहीं हो सकती। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया कि आप लिखिए, लिखना जानते हैं, और हजरत अली को बोला कि आप कलम लीजिए और लिखिए, शुरू कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पर सुहेल बिन अमर ने क्या कहा, अब इन्होंने तो कुरान मजीद की तफसीर पढ़ी हुई है, उनको ये बात याद तो नहीं थी, अरब के लोग क्या लिखा करते थे अपने खतूत वगैरह से पहले या मुआहिदों से पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से तेरे ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा क्या होता है, ए अल्लाह, अल्लाह का वर्ड उसमें भी आता है, बिस्मिल्लाह और बिस्मिकल्लाहुम्मा, इतने में तो कोई फर्क नहीं है, ये टोटल सेम फ्रेज है, बस थोड़े से वर्ड ऊपर नीचे, ठीक है, 100% सेम फ्रेज। उन्हें भी इतराज नहीं था, वो कह रहे कि नहीं, हम बिस्मिल्लाहुम्मा इसे लिखा जाएगा, ये जो तुम बता रहे हो ये नहीं लिखा जाएगा। अब आप सल्लम जो बता रहे थे और इसमें फर्क क्या है, ये हम तफसीर में भी पढ़ते हैं ना, यहाँ पे जो रहमान और रहीम आ रहा है, ये कुरैश के लोग कहा करते थे कि ये रहमान कौन है, हम किसी रहमान को नहीं जानते, रहमान किसका नाम है, ठीक है, ये अल्लाह के ये जो सिफात हैं, ये सिफाती नाम है अर्रहमान अर्रहीम, इससे बेसिकली इंकारी, इसलिए वो कह रहे हैं कि अल्लाहुम्मा लिखा। तो इस पर आपसे सलम ने फरमाया कि ठीक है, आवाज कम ज्यादा क्यों हो रही है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरी तरफ कनेक्शन भी ठीक है और मेरी आवाज भी, तो आप प्लीज चेक कीजिएगा। तो लिखा गया अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, ठीक है, ये लिखा गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि अगला जुमला लिखिए, हाजा मा कादी अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम किया, यानी ये वो मुआहिदा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम किया। बोल पड़े कि भाई मोहम्मद तो हैं आप, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं कि नहीं ये हम नहीं जानते, ये तो फिर ये झगड़ा ही गया था हमारा, फिर हम इतनी जंग के ने फरमाया कि गो तुम कर रहे हो, लेकिन अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल ही हूँ। आवाज अभी देखिए, आवाज क्लियर आ रही है, अगर नहीं क्लियर आ रही तो मैं कनेक्शन बंद करके दोबारा ऑन करती हूँ, चेक कीजिए अभी आवाज कैसी है। अच्छा, दोबारा आवाज अगर खराब हो गया मुझे बताइएगा, फिर मैं एक ही दफा इंटरनेट ऑफ करती हूँ, सही है मसला, ठीक है, सही है, दोबारा हुआ तो मुझे बता दी। उसने क्या कहा कि हम तो नहीं जानते कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर ये हम मानते होते तो भाई मुआहिदा ही क्यों करना था आपके साथ, तो हम जाने देते, हम अगर मानते आप,
वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम इसकी तकजीब कर रहे हो, लेकिन अल्लाह की कसम है, अल्लाह का रसूल ही। इसके बाद फिर आपसे सर ने हजरत अली को फरमाया कि ठीक है, जहाँ मेरा नाम लिखा है इतना रहने दो और रसूलुल्लाह मिटा दो, इसको हटा दो। इस पर हजरत अली ने फरमाया कि अब हजरत अली का इरादा ये नहीं था कि वो फरमाबरदारी ना बात मानना ही चाहते, लेकिन खेल की वजह से ये बात मानना चाहते थे। उन्होंने फरमाया हजरत आपका नाम नहीं मिटाऊंगा, आप अल्लाह के रसूल हैं और ये किया जाएगा, हम इनकी ये बात नहीं मानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे? आप सल्लम सिर्फ नरमी चाहते थे और ये चाहते थे कि उम्रे की इजाजत दे दी जाए, हम उम्रा कर दें, ठीक है? आप सल्लम के जहन में अभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि जिस माहदा लिखा जा रहा था, और हजरत अली फरमाया मेरा नाम कहाँ लिखा है, कहाँ पर है? तो हजरत अली ने जहाँ पर उंगली रखी तो आपसे सलम ने रसूलुल्लाह को दिखा दिया, ठीक है? अब हमें मस्जिद में भी बार बार तो मैं भी आपसे उम्मीद थे, खूबी थे कि आप उम्मीद थे, आप जानते, अगर आप पढ़ना लिखना जानते मुस्लिमों का ये जो दावा है कि कुरान आपने खुद लिखा, ये शायद मुमकिन हो जाए, तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला ने इसके रास्ते ही बंद कर दिए, आपसे सलम लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, ठीक है? तो इस वजह से आपसे सलम को हजरत अली ने बताया और आपने इतना पोर्शन निकाला। खैर साइड नोट एक बात बता दूं, जो कुछ ऐसे उलमा भी गुजरे जो कि बेसिकली जिनका ये क्लेम था आपसे सलम को पहले लिखना आता था लेकिन बाद में आता था, और वो इसी वाक्य को अपनी फेवर में यूज करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये वाक्य दोनों फेवर्स में जाता है, मैं इसलिए ये बात आप बताना चाह रही हूँ कि देखिए आपसे सलम ने खुद मिटाया रसूलुल्लाह, ठीक है? और आपसे सलम को पता था कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरी ये पहचान है, ये लेटर्स हैं, इन हरूफ को मैं पहचानता हूँ, आपने उन्हें मिटा दिया, ठीक है? देखिए यहाँ पे हमें किताब क्या लिखा है कि हजरत अली ने पॉइंट आउट किया और फिर मिटाया गया, आपसे सलम ने फिर मिटाया। तीसरी बात भी यहाँ पे लिखी हुई है कि जो शख्स बार बार अपना नाम थोड़ी थोड़ी जारी सी बात है हरूफ की पहचान हो जाती है, तो विद टाइम आपको हरूफ की पहचान हो गई थी इसलिए आपने मिटा दिया। तो ये तीनों राय इसमें हमें मिलती हैं, और अलबत्ता कुरान मजीद से हमें और अहादीस से भी हमें क्या आपसे सलम उम्मी ही थे, तो हमने कायम रहना है इंशाल्लाह। और लेकिन हमें ये जो तीन राय है इसके बारे में, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, दोनों पार्टीज अपनी फेवर में यूज करती हैं, ये अलबत्ता हमारी नॉलेज में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो इतना लिखा गया, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है अब ये लिखो कि हम अभी उमरा करेंगे और उमरा करके वापस जाएंगे। तो सुहेल ने कहा कि नहीं, कुरैश ने मुझे इसीलिए सफीर बनाकर भेजा है कि इस साल उमरा नहीं किया जाएगा। आप दिया था जब ये जंग नहीं करते ना मेरे साथ, अमन में रहते हैं, तब तक जो भी कंडीशंस हो उस पे हमें एतराज नहीं, ठीक है? तो उम्रा अलबत्त फिर उम्रे की बात ये तय पाई कि उम्रा इस साल नहीं अगले साल किया जाएगा, अगले साल करने की आपको इजाजत है। हम अरबों को ये नहीं कहने देंगे कि जी आप जीत गए और हम आ पाए और हमने आपको मक्का में दाखिल होने दिया, उम्रा अगले साल होगा और आपको उस वक्त भी सिर्फ 3 दिन कयाम की इजाजत मिलेगी, और उस नहीं आ सकते वाले पाएंगे जिसके रास्ते में जानवर वगैरह आ जाता, हमला कोई कर देते हैं के लिए, दिफा के लिए बेसिकली इस्तेमाल हो जाए, और वो भी आप अपने नियाम में रखेंगे, और नियाम भी जो है वो भी एक पहले के अंदर होगा, ठीक है? इस तरीके से आप हथियार लेकर आएंगे और 3 दिन से ज्यादा रहेंगे और उम्रा आप अगले साल करेंगे, इस साल नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि ठीक है इस बात को इसी तरीके से लिखो। इसके बाद क्या बात हुई, इसके बाद मजीद कंडीशंस क्या थी जो कि हजरत हजरत तो नहीं अभी इस्लाम नहीं लाए सुहेल बिन अमर, उन्होंने खुद ऐड करवाई, ठीक है? कुरैश ने ये कंडीशंस नहीं कही थी, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, लेकिन सुहेल ने ये खुद ऐड करवाई। क्यों ऐड करवाई आगे जाके हमें अभी पता चल जाएगा। तो इन कंडीशंस में क्या है, अगली कंडीशन क्या है कि मक्का का कोई भी मुसलमान आप यहाँ से साथ नहीं लेकर जा सकते, ठीक है? लेकिन कोई आपका रुकना चाहे तो वो रुक जाए, यानी आपसे सलम के साथ जो 1400 लोग आए थे, इनमें से अब कोई मक्का में रहना चाहता है, हमारा साथी बनना चाहता है, दोस्त बनना चाहता है, वो रुक जाए। तो
लेकिन अगर आप हमारों में से किसी को अपने साथ ले जाकर अपना साथी बनाना चाहे, अपना नेशनल बनाना चाहे, आप ऐसे समझ लें, तो वो इजाजत नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मजीद उन्होंने शर्त ये बताई कि मक्का से अगर कोई भाग कर आता है जान छुड़वा कर, मदीना मदीना पहुंच जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, वापिस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये कोई ऐसी शरायत नहीं हो रही जो जिसमें वो हो बराबरी हो, बराबरी का मामला नहीं हो रहा, ज्यादती का मामला हो रहा है। हमारे पास रुकना चाहे रुक सकता है, आपके पास कोई नहीं रुकेगा। हमारे पास से कोई भाग कर आपके पास जाता है, आप वापस करेंगे, लेकिन आपके पास से भाग कर कोई अगर हमारे पास आ जाता है तो हम वापस नहीं करेंगे। ये बराबरी की शर्त नहीं है। और आखिरी शर्त, इर्द गिर्द के जितने भी कबाइल हैं उनमें से जो जिसके साथ दोस्ती रखना चाहे वो उस की शरायत के ऊपर उसके साथ मामला किया जाएगा। यानी अगर कोई कबीला कुरैश के साथ दोस्ती करके रखता है तो उसके साथ भी वही वह मामला होगा जो कि कुरैश वालों की शर्तें हैं ना, मक्का वालों पे जो शर्तें कायम होती हैं लागू हैं, वही शर्तें उस कबीले के लिए, इसी तरह मामला होगा बाकी कबीलों के लिए भी। ये शर्तें रखी ही जा रही थी, और ये सारी लोग मुसलमानों के आने जाने भागने वगैरह वगैरह वाली ये शरायत उनको लिखा जा रहा था कि बीच में कौन आ गए, आप लोगों में हुआ हो जिनको के बकायदा बेड़ियां डालकर कैद किया गया था कैद खाने में ये बंद इतने सालों से, कि इनको खबर हो गई कहीं से हुदैबिया में। अच्छा, ये सारी सारा मुआहिदा सारी डिस्कशंस एक दिन में नहीं हुई, ये भी याद रखिएगा। इतने लोग आए गए हैं, बातचीत हुई है, ये दिनों के ऊपर हुई है, एक ही दिन के अंदर ये सारा कुछ नहीं हुआ। तो एक सेकेंड, बातचीत तो अल्टीमेटली लगेंगे वहां नहीं होंगे ना, खून बहता होगा इनके जिस्म पर, इनके निशान आते तो ये कौन थे, ये अबू जंदल रजी अल्लाह अन्हु, ये कभी तो ये अब्दुल्ला और अबू जंदल ये दो भाई थे, किसके बेटे थे, इसी सुहेल बिन अमर के जो कि अभी मुआहिदा कर रहा था, ये सुहेल बिन अमर। और अब हम ये एडिशनल रखवाई गई थी, ये क्यों रखवाई गई थी, ये असल में इन्होंने अपने बेटे ये किसी तरह भाग कर मदीना चला जाता है तो ये मुझे वापस किया जाएगा। ठीक है, तो अब्दुल्ला का क्या वाक्या है, इनका पहले मैं वाक्या सुना देती हूँ, इनके बड़े बेटे का, फिर हम अबू जंदल पे वापस आ जाते हैं। तो अब्दुल्ला बेसिकली जब बदर हुई थी ना, बदर में सुहेल बिन अमर जब इनके बाप की तरफ से गए हैं, अब्दुल्ला इनके बेटे जब खेमे लगाए गए हैं तब, और सामने मुसलमानों के खेमे थे एक तरफ, कुफार के खेमे थे, खेमे थे बदर के मैदान पे, तब अब्दुल्ला ने क्या किया, अपना घोड़ा लिया और कुफार की तरफ से निकल कर मुसलमानों में शामिल हो गए। इस्लाम जो ऑलरेडी इस्लाम कबूल कर चुके थे, वहां जाके इन्होंने कुफार को छोड़ा है, यानी अचानक ही बगैर बताए छोड़ा है, और उनको नहीं पता था कि क्या इनकी प्लानिंग है, क्या चल रहा है। इस पर जाहिर है बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और जो ह्यूमिलिएशन बेइज्जती जिल्लत भी महसूस हुई कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे मेरे अपने दगा दे दिया, उधर चला गया, अब सारे सरदार मजाक उड़ा रहे हैं, दे रहे हैं धोखे, इस तरह सारा कुछ गुस्सा भी था ना, जिस वजह से ये जब कैद हुए हजरत सुहेल में बदर में, जब कैद हुए तो बुरा भला भी बोल रहे थे ना इस्लाम को, जब हजरत उमर ने कहा कि इनकी जुबान काट दे, तो ये अब्दुल्ला की वजह से अपने बड़े बेटे की वजह से इन्हें गुस्सा था। तो जब ये लोग वापस आ गए कैदी सारे, इनको छोड़ दिया गया जब, या तो इन्हीं के छोटे बेटे ये चला जाएगा, दो मेरे बेटे दोनों मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा बनेगा क्या, अब्दुल्ला तो जा चुका, अबू जंदल भी चले जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, उसको जंजीरें डालकर इनके अपने घरों में बेसिकली बेसमेंट्स होती थी, बेसमेंट्स में कैद खाना होता था, तो वहां पे इन्हें कैद कर दिया। ठीक है, ये हुआ कितने साल बेचारे उधर ही थे और कैद। तब अबू जंदल, अब हम वापिस आ रहे हैं अबू जंदल की इस प्रेजेंट सिचुएशन पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने साथ मेरी इन
से गन छुड़वा उठा और इनके जख्म और इनके निशान तो उन्होंने कुछ उनको दिखाई, वो बताया कि मेरी हालत तुम्हारे सामने है, कि हालत तुम्हारी क्या, मुझे काफिरों के पास छोड़ दो कि मुझे अपने साथ लेकर जाओ। ठीक है, एक सेकंड मैं रिफ्रेश करती हूँ। हाँ जी, अभी आ रही है, अगर अभी भी ब्रेक हो तो बताइएगा। हाँ जी, तो और आपसे सलाम साथ लेकर जाए पर ब्लूटूथ तो यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, आप लोगों का अपना देखिए अगर हो तो। ब्लूटूथ फिलहाल कोई कनेक्टेड नहीं है। सही है, तो अबू जंदल ने क्या कहा कि मैं जान छुड़वा कर आया हूँ, मुझे वापस लेकर जाओ। सुहेल बिन अमर ने जैसे ही ये जो शरायत हमने रखी है जो सबसे पहले इसी पर लागू होंगी, ये नहीं जा सकती, और फरमाया कि अभी हमने सिर्फ शरायत लिखी किए गए, अभी इस पर अंगूठा नहीं लगाया गया। एंड में अंगूठा लगाया जाता था ना, वो लोग खुशबू में भिगो के अंगूठा लगाते थे, वो साइन हो जाता था मौहिदा। अभी मौहिदा सिर्फ लिखा गया है, साइन नहीं हुआ, तुम इसको हमारे साथ जाने दो, अभी शर्तें फाइनल नहीं हुई। ने कहा कि नहीं, इसी के ऊपर ये शर्तें सबसे पहले अप्लाई होंगी, ये नहीं जा सकती। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, इतनी ज्यादा फिक्र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको, इनकी, और जाहिर है मुसलमान थे, जुल्म हो रहा है, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और अल्लाह के रसूल तो अपनी उम्मत के वालिद की तरह होते हैं ना, बाप की तरह होते हैं, और उनको कौम के साथ महसूस होती है जो हमें महसूस हो ही नहीं सकती। हम एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझते हैं ना, पर वो एम्पथी, वो हमदर्दी उन्हें महसूस हो रही होगी, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुहेल को जाने दो, ये हमें दे दो, इसको छोड़ दो। तो सुहेल को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये वापस ही जाएगा। तो अब मुसलमान भी सारे बेचैन हो रहे थे, अब ये वो मौका मौका था जिसके ऊपर सारे देख रहे थे, शरायत में भी बराबरी नहीं है, दूसरे देखा है इतना जुल्म सितम, तो सब आवट में इतने ज्यादा पूर हुए हुए, वहां पर कितने अच्छे जमा हुए हुए, गर्मी का मौसम, भूख प्यास, कैसे हालात होंगे आप खुद सोचें, और थकावट और मशक्कत कितनी ज्यादा होगी, और इन पे सो रहे हैं क्या, कैसे हालात। हम 5 दिन जाते हैं, इन्हें किताबों में लिखा है कि 6 हफ्ते बाद मुसलमान फिर मदीना वापस पहुंचते थे, इसमें ये सफर वाले टाइम भी निकाल लें, सफर वाला टाइम निकाल लें और बाकी यहाँ पे स्टे डाल लें, और टोटल 6 वीक्स, हालत देखें उनकी फिर क्या होगी। तो जज्बात उनके उभर उभर कर आ रहे थे, और मुसलमान उस वक्त परेशान, हम इन शरायत को क्यों कबूल कर रहे हैं जब हम मुसलमान हैं और इस्लाम सच्चा दीन है, इस्लाम के सच्चे दीन होते हुए हम इनकी इस तरह की शरायत क्यों कबूल कर रहे हैं, वापस जाने दें, भाई है हमारा, खून से खून बखून हुआ हुआ है, और इसकी ये हालत, यही कैफियत थी, यही जज्बात उभरे हुए थे, लेकिन हम इसकी बदहदी नहीं कर सकते, नहीं मान रहा, तलवार नहीं उठा सकते, इसकी बदहदी नहीं, तो ये कहने। अच्छा, इससे आगे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने ये जो बेसिकली इस किताब में मेरे पास ये लिखा हुआ है, लेकिन यासिर काजी ये सुनाते हैं, और डेफिनेटली अबू जंदल के पास, अबू जंदल के पास, ताकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उनको अपनी तलवार की तरह कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने मुआहिदा कर लिया है अमन का, तुम कुछ कर सकते हो, सिर्फ आरा करते हैं और कुछ भी नहीं। अबू जंदल देखता है और उसको समझ आ जाती है कि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं खुद तलवार लूं, जाहिर उनके हाथ में मूवमेंट में होंगे, जंजीरें बंधी थी लेकिन फिर भी मूवमेंट में होंगे, जो वो जान छुड़ा के आए थे।
तो तलवार को वो देखते हैं, बात समझ जाते हैं कि ये कह रहे हैं कि तलवार लो और खुद ही हमला कर दो। लेकिन उनके वालिद थे आखिर, सुहेल बिन अमर अबू जंदल के वालिद थे, और वो अपने वालिद पे कैसे हमला कर सकते थे। तो उन्होंने अलबत्ता इस मूव को एक्सेप्ट नहीं किया और वापस मक्का की तरफ चले गए और इन्हें वापस कैदी बना दिया। तकलीफ में थे कि हम अपने एक भाई की इतनी बुरी हालत में हम मर, तो ये फिल्म पास गए हैं। ये वाकया तो तमाम, ठीक है मैं रिपीट कर देती हूँ एंड से। हुआ क्या था, हुआ ये जिले ताला ने अबू जंदल के पास गए, वही खड़े खड़े, और अबू जंदल से कहा है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हल्की आवाज में कि लोग लोग तलवार उन्होंने पहनी हुई थी, ये तलवार तुम मेरी तलवार ले लो, जो तुम करो। आपसे सलम ने फरमा दिया कि मुआहिदा हो चुका। ने तलवार को देखा है लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने तलवार उमर की नहीं निकाली और उससे, क्योंकि आखिर उनके वालिद थे आज सुहेल बिन अमर, उनके वालिद नहीं जंग लड़ना चाहते होंगे। अलबत्ता वो बात समझ गए हजरत उमर की, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं ली और उनको फिर वापस भेज दिया गया अबू जंदल वापस। मुसलमानों की जो सिचुएशन थी उसको हम समझ सकते हैं, परेशानी ऐसे हालात, अब अल्टीमेटली मुआहिदा फाइनल हो गया और जो कुरैश के लोग थे सारे के सारे वापस चले गए अबू जंदल को लेके, मुसलमान रह चुके हैं इधर। ठीक है, परेशानी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम किताबों में ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप अल्लाह के दीन नहीं है, रंजो आज हमारे ये मुआहिदा हमारे रसूल हूँ और ये अल्लाह का हुक्म है, यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही होगा सारा कुछ। तो हजरत उमर फिर पूछते, ने तो कहा था कि आपने उम्रे का ख्वाब देखा और हम उम्रा करेंगे, तो आपसे सलम ने फरमाया कि हाँ मैंने ख्वाब देखा था लेकिन ये नहीं इसी साल उम्रा करेंगे, हम उम्रा करेंगे लेकिन इस साल का, मैंने कब कहा था कि इसी साल करेंगे, उम्रा करेंगे लेकिन 84 उसी वक्त हजरत सामने आ गया और हजरत ने हजरत उमर को पकड़ा और कहा कि तुम किस तरह के सवाल कर रहे हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही अल्लाह का हुक्म है और यही लागू होगा। हजरत उमर को एहसास हुआ कि वो जज्बात में बहकर उन्होंने आपसे सवाल किए और उनको एहसास हुआ इस चीज का, इतना ज्यादा एहसास हुआ कि बाद में वो कहा करते थे सहाबा से कि उस दिन मैं नाफरमान बनते बनते रह गया और मुझे इतनी तकलीफ और दुख हुआ कि बाद में सारी जिंदगी में इस एक वाक्य पे तौबा करता रहा और मैंने ईमान ज्यादा बढ़ा दिया, इस एक वाक्य की वजह से मैंने कई गुलाम आजाद किए, मैंने इसमें कि मेरी जुबान से ये चंद कलमात निकल गए। मुसलमानों के हालात ऐसे, ये रिवायत बहुत बड़ा हमें लेसन जहां पर मिलता है वो क्या है कि अगर कोई गलती हमसे हो जाती है, गुनाह हो जाता है, तौबा करना क्या है, उसको माफी मांग लेने से बात खत्म नहीं हो जाती। एक तो सारी जिंदगी हमें इस माफी को रिवाइव करते रहना है, उस बार बार मांगते रहना है, दूसरा उसके बदले में उम्र बढ़ा देने हैं। पर सारे मैं 30 साल तक अपनी उम्र तक पर्दा नहीं करती थी, अब मैंने करना शुरू किया, अब एहसास हुआ कि ऐसे सख्त करूं, बाकी जो लोग शुरू से करते आ रहे हैं उनसे ज्यादा मैं सख्त करूं, क्योंकि मेरा पहला अमल गुनाह वाला अमल था, उस गुनाह को मिटाने के लिए या उसके अजर को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, जो अमल कर रही हूँ उसके अजर को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए मेरा अमल जो है वो अब टॉप क्लास होना चाहिए। ऐसे ही जैसे मैंने शुरू से कभी सदका नहीं दिया, अब जो शुरू से देता आ रहा है वो तो चले 100 रुपीज डेली दे रहा था वो देता रहे,
उन्हें आज अकल आई है कि सदका भी देना था, तो मैं भी अभी 100 ईद देती रही हूँ, वो तो फिर कोई बात ना हुई, मेरे पिछले साल जाया हो गए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लॉस हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है, वो कवर हो जाए। तौबा को बहुत ज्यादा इजी लेते हैं कि बस गुनाह हो गया, तौबा माफी मांग, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अमल के ऊपर नहीं जाना और नया अमल, इस एक गुनाह के कफारे में खुद ही इन्होंने कफारा फिक्स कर लिया। हजरत उमर कहते हैं मैंने इतने गुलाम आजाद किए और इतने नवाफिल पड़े, सिर्फ ये कि ये इतना बड़ा मुझसे गुनाह हो गया। तो ये वाक्या हुआ और इसके बाद फिर ये हमने देख लिया। हाँ जी, यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये सिर्फ मुसलमानों के भी यही जज्बा, लेकिन तमाम मुसलमान पूछ सकते हैं या बात। एक और सहाबी है सुहेल इब्न हनीफ, ये सिफीन तब हुई है ना सहाबा के दरमियान जो जंगें हुई थी हजरत उस्मान के जमाने में, जब हजरत उस्मान की बात हुई उसके भी बाद, बल्कि हजरत सिफीन हुई थी, सॉरी, जब हजरत अली हनीफ जो है ना, ये फरमाते हैं अपनी जो उनका जो लश्कर था फौज के सामने, फरमाते हैं कि वो दिन सुलह हुदैबिया वाले दिन के दिन, सुलह हुदैबिया के दिन को ना, वो अबू जंदल का दिन अल्लाह ने हमें बचा लिया, इसलिए तुम लोग कभी अपना पर्दे ना देना और अपनी हद में रहना। अल्लाह के रसूल ने एक हुक्म दिया था ना, और उससे आगे हमारा दिल कर रहा था हम इसके अगेंस्ट जाके इसके बारे में बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमने अपनी राय को रोका और अल्लाह के रसूल की राय को मुकद्दम रखा और माना। तो तुम लोग भी ऐसा कभी मत करना, अल्लाह आगे बढ़ना जाना उसी को मुकद्दम रखना, अपनी राय को लिमिटेड रखना, तुम्हारी राय कुरान हदीस के किसी तरीके से समझे खिलाफ जा रही है, मुश्किल लग रहा है तुम्हें अमल करना, उसको अहमियत मत देना, उसको मत मानना, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के। सहल बिन हनीफ कितने सालों के बाद जंगे अबू जंदल का दिन कहकर ये लेसन दे रहे हैं, और मानो ने इसको फील किया था और अबू जंदल के दुख और तकलीफ में सब फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। पानी करेंगे, हलक करेंगे, हलक क्या होता है, पूरे सर को मुंडवा देना, सारे बाल हलक करेंगे, कुर्बानी करेंगे और अहराम खोल देंगे, अहराम खुल जाएगा और अब हम वापस जाएंगे। 3 दिन वहां पर स्टे रहा और उसने आपसे सलम ने ये हुक्म दिया कुर्बानी की जाए, हलक किया जाए और वापस किया जाए, लेकिन सारे मुसलमान उस वक्त सकते में थे, ये हम पढ़ चुके, देख चुके, हम हालात को समझने की कोशिश करें, मौजूद है हम पर क्या